वो खूबसूरत इतनी है कि इन्हें पर्दे में रखा जाता। शाही शानो शौकत के बीच बचपन बीता। घर वालों ने लाख मना किया, फिर भी फिल्मों में एक्टिंग की। 30 और 40 के दशक में इंडस्ट्री पर राज किया। खिताब मिला ब्यूटी क्वीन और पहली फीमेल सुपरस्टार का। फिर भी ना जाने क्यों सीक्रेट फिल्मों में काम किया। 1947 के बंटवारे में पति छीन गया और फिर अपनी बेटी के लिए फिल्मों में काम करना भी बंद कर दिया। जिंदगी के आखिरी दिनों में इनकी बस छोटी सी दुनिया रह गई। आज कहानी एक्ट्रेस नसीम बानो की, जो नहीं चाहती थी कि गैर मजहब में बेटी की शादी हो, तो बेटी की शादी उम्र में 22 साल बड़े एक सुपरस्टार से करा दी। नमस्ते, मैं हूं मानसी और आप हैं मंच पर। 14 अप्रैल साल 1919 को जन्मी प्लेबैक सिंगर शमशाद बेगम से पहले एक और शमशाद बेगम थी, छमियान बाई के नाम से मशहूर। ये भी एक सिंगर थी। इनकी शादी नवाब अब्दुल वहीद खान से हुई। अब्दुल वहीद खान यूपी के अमरोहा के पास एक छोटी सी रियासत हसनपुर के नवाब थे, जिनके पास दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं थी। इन्हीं के घर 4 जुलाई साल 1916 को बेटी रोशन आरा बेगम का जन्म हुआ, जो बेहद खूबसूरत थी। किसी की नजर ना लगे इसलिए हमेशा पर्दे में रखा जाता। दिल्ली के क्वीन मैरीज हाई स्कूल में पढ़ने पालकी से जाया करती। रोशन बचपन शान शौकत से भरा था। रोशन को शौक था फिल्में देखने का। वो एक्ट्रेस रूबी मेयर्स को एडमायर करती, लेकिन उनकी फैमिली को ये पसंद नहीं था। माता पिता चाहते थे कि बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। एक बार स्कूल की छुट्टियों के दौरान रोशन आरा मुंबई घूमने गई। वहां वो फिल्म की शूटिंग देखने के लिए जिद करने लगी तो माता पिता ले गए शूटिंग दिखाने। वहां जब एक डायरेक्टर ने खूबसूरत रोशन आरा को देखा तो फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया, लेकिन माँ ने बच्ची कहकर बात टाल दी। एक बार फिल्म डायरेक्टर और एक्टर सोहराब मोदी ने रोशन आरा को देखा तो उन्होंने भी फिल्म में काम करने को कहा, फिर माँ ने इनकार किया। लेकिन इस बार रोशन आरा ने भूख हड़ताल कर दी। घर वालों को मानना पड़ा। 19 साल की उम्र में साल 1935 की फिल्म खून का खून से डेब्यू किया और अपना नाम रखा नसीम बानो। साल 1939 की फिल्म पुकार से पहचान मिली। साल 1950 की शीश महल इनकी बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। सोहराब मोदी, चंद्र मोहन, पृथ्वीराज कपूर जैसे एक्टर्स के दौर में नसीम बानो बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार कहलाई। खूबसूरत इतनी कि ब्यूटी क्वीन का खिताब मिला। 40 के दशक में एक्ट्रेस सुरैया, नूरजहां, नरगिस, मधुबाला का दौर आ गया, लेकिन नसीम की अहमियत कम नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नसीम के करियर के शुरुआती दौर में एक्टर सोहराब मोदी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से किसी बड़े बैनर के साथ काम नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से उन्होंने सीक्रेट फिल्मों में काम किया, जो उनकी पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग था। करियर के पीक में नसीम ने अपने बचपन के प्यार पेशे से आर्किटेक्ट मियां एहसान उल हक से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने ताज महल पिक्चर्स प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की। इसके बैनर तरे मुलाकात, चांदनी रात और अजीब लड़की फिल्म का प्रोडक्शन किया। जीवन गुजर ही रहा था तभी पति से बिछड़ना पड़ा। वजह थी बंटवारा। 47 के बंटवारे के बाद नसीम के पति एहसान उल हक पाकिस्तान चले गए, लेकिन नसीम ने भारत में ही रहने का फैसला किया। पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। एहसान उल हक दोबारा भारत नहीं आए। वो अपने साथ नसीम की कई फिल्मों के नेगेटिव ले गए, जो उन्होंने पाकिस्तान में रिलीज किए, क्योंकि नसीम पाकिस्तान में भी बेहद पॉपुलर थी। साल 1957 की एक्टर और डायरेक्टर गुरुदत्त की फिल्म प्यासा और साल 1967 की डायरेक्टर एम सादिक की फिल्म नूरजहां में काम करने के ऑफर मिले, पर नसीम ने मना कर दिया। साल 1952 की फिल्म अजीब लड़की में काम करने के बाद नसीम ने एक्टिंग से दूरी बना ली। इसकी वजह थी उनकी बेटी, जो कोई और नहीं बल्कि अपने दौर की दिग्गज एक्ट्रेस सायरा बानो थी। नसीम ने रिटायरमेंट के बाद अपनी बेटी सायरा बानो को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फिल्मों में साइन करने आते तो सायरा बानो के लिए, लेकिन जब वो नसीम को देखते तो उन्हें भी फिल्म में काम करने का ऑफर दे देते। लेकिन नसीम नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी सायरा और उनके बीच खूबसूरती और एक्टिंग को लेकर कोई भी तुलना हो। रिटायरमेंट के बाद नसीम ने खाली बैठने के बजाय अपनी बेहद खूबसूरत बेटी सायरा बानो की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम किया। सायरा बानो के लिए वो कपड़े, गहने वगैरह डिजाइन करती। बात उस दौर की जब सायरा बानो और एक्टर राजेंद्र कुमार के बीच अफेयर के किस्से सुनाई दिए। तब नसीम बानो ने 22 साल की सायरा बानो की शादी पहले से शादीशुदा 44 साल के एक्टर दिलीप कुमार से सिर्फ इसलिए करवा दी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी किसी गैर मजहब लड़के से हो। जिंदगी के आखिरी वक्त तक घर के फैसले लेने वाली नसीम की मुंबई में अपने बंगले में रहती उनकी छोटी सी दुनिया थी, बेटी सायरा और बेटा सुल्तान अहमद। 85 साल की उम्र में 18 जून साल 2002 में उन्होंने दुनिया से अलविदा कह दिया।
स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है हमारे साथी मंचकार अंशुलें। की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।